विश्व आज़ाद की भूखड़ताली कैंप को 38वें दिन हो चुके हैं कि मैं 22 अप्रैल से कराची प्रेस क्लब के सामने बैठा हूं। मैं बलूचिस्तान का एक स्टूडेंट हूं और मेरे वालदेन की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, कुछ जानूं, कुछ समझ लूं और इंसान बनूं, अपने माशरे के लिए कुछ करूं। इसी तरह आपके वालदेन भी यही चाहते हैं। आपके वालदेन सब कुछ बर्दाश्त करते हैं आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, और आप भी दिन रात मेहनत करते हो, अपने शहर से दूर चले जाते हो, अपने माँ वालदेन से दूर चले जाते हो, तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तकालीफ बर्दाश्त कर सकते हो। इतनी ही आपको पता है कि तालीम की अहमियत क्या है, उनके लिए कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ता है और उनके मकासद अहमियत, उनके फ़ायदे क्या हैं एक नेशन के लिए। इसी तरह मैंने भी यही महसूस किया और पढ़ना चाहा, लेकिन आप सबको पता है कि मेरे वतन पे जिस तरह का माहौल बनाया गया है, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उसकी सबब सिर्फ एक ही है। जिस तरह एक स्टूडेंट पढ़ के कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ अपने नेशन के लिए करना चाहता है, इसी तरह वहाँ के लोग अगर जो सही रास्ते पर चल रहा है, कुछ कर रहा है इंसानियत के लिए, तारीख पढ़ रहा है, अपना तारीख पढ़ रहा है, दुनिया की तारीख पढ़ रहा है, इंसानियत का दर्द दे रहा है, तो उनको उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। इसी तरह मैं BSO आज़ाद का मरकज़ी कमेटी का मेम्बर हूँ। BSO आज़ाद एक पुरमन सियासी जमहूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई सालों से जद्दोजहद कर रहा है, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। उसे इसीलिए रियासत पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की थी उस पर, क्योंकि वो सच कहता था, सच के लिए लोगों को आवाज़ उठाने को कहता था, सच के लिए मरने को कहता था, जो झूठ था उसको झूठ का कहता था और सच था सच को सच मानता था। इसी को बुनियाद बनाकर हमारे दुश्मन बलोच कौम के दुश्मन रियासत ने BSO आज़ाद पर पाबंदी लगाकर, उनके लीडरान पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अगवा करना शुरू कर दिया, लापता करना शुरू कर दिया, उनकी मददशुदा लाशें फेंकना शुरू कर दिया। उसी का सिलसिला अभी तक जारी है, जो 18 मार्च 2014 को जायद को अगवा करके कोयटा से लापता कर दिया गया, उसकी बाजियाबी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि आप भी स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट की अहमियत, स्टूडेंट की ज़रूरत को समझ सकते हो, लेकिन हमसे तमाम जो ज़रूरियात हैं वो तो बिल्कुल नहीं हैं। जो कुछ हम खुद कर रहे थे, पढ़ रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अपनी मदद आप BSO हमें हमारी रहनुमाई कर रहा था, उसे भी ख़त्म किया जा रहा है, उसे भी हमसे छीना जा रहा है। लिहाजा मैं पूरी दुनिया के स्टूडेंट से, जो तालीम से, किताब से, कलम से जो इंसान दोस्ती रखता है, उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें, और ताकि हम अपने चेयरमैन को बाजियाब कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी हटा सकें और दुनिया को बता सकें कि हम एक आज़ाद और जमहूरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जिसके लिए हम सही बस घबराएँ।